Vabbè, così è che adesso fermo quattro dei adesso farò questo fatica una ne ha sangue anch'io io che avessi da me a te voglio credere che tu mi dici vai a parlare oggi sì non può credere che mi batte no. Io sono 16 anni vecchio. Non si deve neanche chiesto a voi. Ma lo quando cavallo, io non ne vedevo a Cadiglia. Oggi bravo. Vidan Sava, Vidan Felice, Radio Sava, Rock Sava. I sali sono nomi da cor. मुझे 52 साल हो गए और लगातार 52 साल ये विधायक सदन में काम करने का मौका ये बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व जनता ने मुझे दिया है इसलिए पहले मैं उनको अभिवादन करना चाहता हूँ जहाँ तक लोकपत ग्रुप है मैं कई सालों से लोकमत से एक उनका वाचक के नाते से परिचित हूँ और मुझे खुशी है कि लोकमत के जो संस्थापक थे वो और मैं खुद विधि मंडल में साथ काम करते थे एक जमाने में मेरे खुद के मंत्रिमंडल में वो इंडस्ट्री मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालते थे और आज महाराष्ट्र में उद्योग क्षेत्र में जो कोई प्रगति होगी इसमें जिन उद्योग मंत्री ने बड़ा अच्छा ध्यान दिया था इनमें बाबूजी का नाम हम कभी भूल नहीं सकते आज वृत्तपत्र क्षेत्र में लोकमत का नाम खाली महाराष्ट्र ही नहीं मगर कुछ हिंदी राज्यों में भी बहुत प्रशंसनीय है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विभाग में अलग अलग लोगों की समस्या पर हमेशा ध्यान देने का काम लोकपत्र के माध्यम से होता है और आज संसदीय पद्धति मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में जिन्होंने काम ठीक किया उनको सिलेक्ट करके उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम उन्होंने हाथ में ले लिया ये दूसरा साल है मैं इतना ही सोचता हूँ कि जो संसद में जाएंगे या विधानमंडल में जाएंगे उनका एक फर्ज है कि लोगों की समस्या पर बातचीत करने का एक बहुत बड़ा मौका आपको मिला है उसका पूरे फूल फायदा लेने की आवश्यकता है मगर ये फायदा लेते समय सदन का गरिमा रखना ये भी जिम्मेदारी कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए मुझे एक बात की खुशी होती है मैं 52 साल में विधायक सदन में बैठा मगर एक दिन भी मैं कभी वेल में गया नहीं हूँ या सदन का काम रोकने का काम या इसमें हिस्सा मैंने कभी लिया नहीं कभी कभी सभात्याग किया होगा मगर सदन चलना चाहिए वहाँ चर्चा होनी चाहिए सरकार को अपनी जो कोई नीति है वो रखने का मौका देना चाहिए और लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं इस बारे में बोलने का मौका सदस्य को मिलना चाहिए यही मेरी धारणा है मुझे खाती है विश्वास है कि जो एक अच्छा उपक्रम हाथ में खुद ले लिया है इससे इस क्षेत्र में जो नया आने वाले हमारे नए साथी हैं उनको प्रेरणा मिलेगी और सदन का गरिमा रखकर एक अच्छा संसद या अच्छा विधायक बनने के लिए उनको इसमें एक तरह की प्रेरणा मिलेगी ये यही मैं कहना चाहता हूँ लोकपत ग्रुप का मैं आभारी हूँ उन्होंने मुझे ये मौका दे दिया इससे कोई ज़्यादा बोलकर आपका समय लेने की आवश्यकता नहीं धन्यवाद